Welcome dear students in your chemistry class. Today we will discuss previous year questions. So let us start. Our first question is, name the law which kept in mind while balancing the chemical equation. So the answer for question number one is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Number two, why should magnesium ribbon be cleaned before burning? Magnesium ribbon को burn करने से पहले हमें उसे अच्छे से साफ क्यों करना चाहिए? Because लिखेंगे it forms a coating of basic magnesium carbonate. Basic magnesium carbonate. Basic magnesium carbonate की एक coating develop हो जाती है जिसकी वजह से magnesium अच्छे से जल नहीं पाता. So that is why it is advised to clean the magnesium to remove this basic magnesium carbonate coating. और आप कह सकते हैं कि इसमें magnesium hydroxide की भी एक coating deposit हो जाती है. So question number three. Give an example of combustion reaction which is exothermic in nature. Okay, एक combustion reaction का example बताना है which is also exothermic in nature. तो C+O2 it gives CO2 and it gives approximately 393.5 kilojoule heat energy. Next question number four. Oxidation and reduction processes occur simultaneously justify this statement. It means oxidation और reduction reaction दोनों simultaneously होती हैं. Oxidation और reduction एक ही reaction में होता है जिसको हम redox reaction कहते हैं. इसको आप इस statement को किस तरह समझते हैं? तो ध्यान दीजिए, I am just taking one example, that is Zn plus Cu2 positive. It is converted into Zn2 positive plus Cu2 positive. So आप यहाँ पर देखिए, Zn इज़ कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस 2. इट मीन्स Zn प्लस 2 में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड वी नो दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन. सो इट मीन्स Zn का Zn प्लस 2 में ऑक्सीडेशन हुआ है. Cu2 प्लस इज़ कन्वर्टेड इनटू Cu. सो यहाँ पर कॉपर 2 प्लस गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन. सो इसका मतलब Cu2 प्लस का Cu में रिडक्शन हो गया है. क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाई डज नॉट कॉपर इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4. H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पर कॉपर कोई भी गैस बाहर क्यों नहीं निकालता? ये रिएक्शन होती ही नहीं है. व्हाई? बिकॉज केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में हमने आपको बताया था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर. हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, फिर सिल्वर, फिर मरकरी, फिर गोल्ड, एक्सेट्रा. सो कॉपर इज लाइज बिलो हाइड्रोजन. कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है. इट मीन्स द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन कॉपर. हाइड्रोजन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर. सो कॉपर H2SO4 में से लेस रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल पाता, इसलिए केमिकल रिएक्शन नहीं होती है. आई होप दिस पॉइंट आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बॉटल्स, गिव रीजन. सो डियर स्टूडेंट्स,
सिल्वर क्लोराइड फोटोसेंसिटिव होता है, ये जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में होता है फोटोलाइटेड डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, और फोटोलाइटेड डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता है, सिल्वर क्लोराइड आपने यहाँ पे लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट डिकम्पोज एंड गिव्स 2Ag+Cl2। सो ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, फोटोसेंसिटिव है, इसीलिए हम इसको डार्क कलर बॉटल में रखते हैं ताकि सनलाइट इसको इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई डू फायरफ्लाइज ग्लोज एट नाइट, फायरफ्लाइज रात के टाइम में ग्लो क्यों करती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है फायरफ्लाइज के अंदर एक प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन एंजाइम के साथ रिएक्ट करके एरियल ऑक्सीडेशन करता है। इस एरियल ऑक्सीडेशन से विजिबल रीजन की लाइट बाहर निकलती है, और इसी की वजह से हमें ये फायरफ्लाई रात के टाइम में ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फेरस सल्फेट डिकम्पोज विद द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फेरस सल्फेट क्रिस्टल, दैट इज FeSO4.7H2O। ये ग्रीन कलर का होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ 7H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब आप इसको हीट करते हैं, इट गिव्स FeSO4+7H2O। आप फर्दर FeSO4 को हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, एंड इट गिव्स Fe2O3+SO2+SO3, and these producing suffocating gases. What type of reaction is this? This is simply thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reaction. Because in the presence of heat, a single compound is decomposing, is breaking down into two or more substances. I hope this point is very much clear to all of you. Our next question number 9 is, identify the oxidizing agent. Okay, आपको निकालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन के लिए हमने कुछ आपको पॉइंट बताए हुए हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड नंबर थ्री यहाँ पर आएगा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन पैरामीटर्स के बेसिस पर आप कहेंगे कि रिडक्शन हुआ है किसी कंपाउंड का, और जिसका कंपाउंड का रिडक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4NH3+5O2 एंड इट गिव्स 4NO+6H2O। सो आप यहाँ पर देखिए, इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो इसका रिडक्शन हुआ तो यही हमारा बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी पार्ट, H2O plus F2 एंड इट गिव्स HF+HOF। सो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, फ्लोरीन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फ्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू HF। फ्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है? HF में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स फ्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोरीन का HF में रिडक्शन हुआ, इसीलिए यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
की तरह वर्क करता है। आई होप दिस पॉइंट आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर मूविंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। अगेन रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, और ऑक्सीडेशन को हम तीन पॉइंट पे यहाँ पे स्टडी करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड नंबर 3 रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ वी आर मूविंग टू अवर क्वेश्चन, दैट इज 2Mg+O2 एंड इट इज गिविंग 2MgO। सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन को आप इन तीन पैरामीटर्स रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3Fe+4H2O and it is giving Fe3O4+4H2. Okay, so देखिए Fe is converted into Fe3O4. Addition of oxygen means oxidation, और जिसका oxidation होगा वही कहलाएगा reducing agent. Dear students, आप सभी को इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपने काम के प्रति सच्चा रहना है। यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल टूवर्ड्स योर वर्ड्स कि हम लोग क्या समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बिकॉज इसका आपकी स्टडीज़ पर और आपकी आगे आने वाली लाइफ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। सो आप अभी से सीरियस स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन में कहा गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यस, बिल्कुल सही बात है। जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इट डिकम्पोजिंग इनटू 2H2+O2, असर्शन इज करेक्ट। यस, व्हाट इज रीजन? नो रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। नो, दिस इज फॉल्स। रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस, सो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन फूड आइटम्स डेवलप रेंसिडिटी इफ एक्सपोज टू एयर। यस, दिस स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। रीजन, ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड अंडरगो स्लो ऑक्सीडेशन इन एयर। यस, द असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स 3 marks questions. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, इन विच हीट इज लिबरेटेड। सो वी नो दैट रेस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज है C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी को यहाँ पर लिबरेट करता है। यहाँ पर 6 CO2 और 6 molecule ऑफ वाटर रिलीज होते हैं, प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज। सो दैट इज वाई द रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दिस हीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। सो बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2, which is in aqueous form. And this barium chloride is reacting with aluminium sulfate. And aluminium sulfate is Al2SO4 ka whole thrice. And they react with each other and forms
A precipitate of barium sulfate. Barium sulfate is BaSO4. यहाँ पर बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने के लिए मिलते हैं. एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, दैट इज AlCl3. बेरियम के यहाँ पे 3 एटम्स हैं, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ट्रांसलेट द अबव इक्वेशन इनटू केमिकल इक्वेशन. ओके, बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 विच इज इन एक्वस फॉर्म. एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज Al2SO4 का ऑल्थ्राइज. दे बोथ रिएक्ट विद ईच अदर. दे शोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच बेरियम इज गोइंग विद सल्फेट एंड एल्यूमिनियम इज कमिंग विद क्लोराइड. सो बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट एंड AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन. And due to the formation of white precipitate of barium sulfate, this reaction is also considered as precipitation reaction. Now question number 15. Question number 15 is solid calcium oxide was taken in a container and water was added slowly in it. Solid calcium oxide, that is CaO, water was added to it, that is H2O, and it forms calcium hydroxide. CaOH ka whole twice, calcium hydroxide, and this calcium hydroxide is also known as lime water. Okay, so this was the reaction. Now question is, राइट द ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर क्या क्या होता है, तो आप लिखेंगे वाइट सस्पेंशन वुड बी फॉर्म्ड. फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में वाइट सस्पेंशन वुड बी फॉर्म्ड. नेक्स्ट और क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है. दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस. बी पार्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. क्या प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस. केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम इज लाइम वाटर. आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज What happens when carbon dioxide gas is bubbled through lime water? Okay, lime water आपको पता है. Answer number 16. Lime water में आप carbon dioxide gas को pass कराते हैं, तो क्या बनता है, यहाँ पर हम देखेंगे. First of all, lime water का formula देखते हैं, that is CaOH का whole twice plus carbon dioxide. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पर दो पार्ट में दिया हुआ है, इन स्मॉल अमाउंट और इन एक्सेस अमाउंट. तो ध्यान दीजिए, जब आप इसको स्मॉल अमाउंट में मिक्सअप करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट देखने के लिए मिलता है प्लस वाटर. CaCO3 इज नथिंग बट द कैल्शियम कार्बोनेट, कॉमन नेम इज मार्बल. एंड ड्यू टू दिस द सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की. बी पार्ट इज, व्हाट विल हैपन इफ यू पास आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस अमाउंट. अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेस अमाउंट में पास आउट करा देते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बनता है CaH CO3 का
होल ट्वाइस, ध्यान से देखिए, CHCO3 का होल ट्वाइस एंड दिस इज वाटर सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वाटर सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई होप दिस पॉइंट आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इज ए ग्रीन कलर हाइड्रेटेड मेटेलिक सॉल्ट ऑन हीटिंग लूजेस इट्स वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड गिव्स अ सफोकेटिंग स्मेल। ओके, आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। एक आपके पास ग्रीन कलर का हाइड्रेटेड मेटेलिक सॉल्ट है, ग्रीन कलर का हाइड्रेटेड मेटेलिक सॉल्ट, इसका मतलब मेटल भी है और हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है। सो ये Fe(SO4.7H2O) रहा होगा। ओके, ये ग्रीन कलर का आपका हाइड्रेटेड मेटेलिक सॉल्ट है। मेटेलिक इसलिए क्योंकि आयरन है और हाइड्रेटेड इसलिए क्योंकि 7H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वाटर के हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। क्या होगा जब आप इसको हीट करेंगे? हीट करने से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा, Fe(SO4) प्लस 7H2O बाहर निकलेंगे। फिर आप फर्दर Fe(SO4) को हीट करते हैं, Fe(SO4) को हीट करने पर ये Fe2O3, ये स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है Fe(SO4) को, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 यहाँ पर फॉर्म होते हैं, विच प्रोड्यूस्ड सफोकेटिंग गैसेस। दीज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड दीज आर द सफोकेटिंग गैसेस। आइडेंटिफाई द सॉल्ट Fe2O3 एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। Fe(SO4) गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। आई होप दिस पॉइंट आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए ब्राउन सबस्टांस इज एक्स ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स अ सबस्टांस वाई। ओके, आपके पास एक ब्राउन कलर सबस्टांस है एक्स, आप इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो ये वाई में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन हाइड्रोजन गैस पासेस ओवर वाई, यस, जब आप वाई के ऊपर हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, इट अगेन चेंजेस इनटू एक्स, ये दोबारा एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो ए पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता है नेम द सबस्टांस एक्स एंड वाई, एक्स और वाई क्या है। सो ब्राउन कलर का सबस्टांस है ये कॉपर रहा होगा और कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है 2CuO। ये ब्राउन कलर का एक्स है और ये ब्लैक कलर का वाई कंपाउंड है CuO। जब आप CuO को फर्दर हीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O फॉर्म करता है, प्लस आपको CuO यहाँ पर दोबारा मिल जाता है, CuO दैट इज़ वाई एंड CuO दैट इज़ एक्स। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। ए पॉइंट में आपसे कहता है नेम द सबस्टांस एक्स, एक्स क्या है, तो आपको पता है एक्स है कॉपर और वाई है CuO, एक्स इज कॉपर एंड वाई इज CuO। नेम द केमिकल प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन हुआ, CuO में से ऑक्सीजन बाहर निकला और ये CuO में कन्वर्ट हुआ, इसका यहाँ पर रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट, राइट द केमिकल इक्वेशन, आपके सामने लिखा हुआ है। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।